जनपद संभल के चंदोसी में 24 यूपी BNNCC मुरादाबाद के कमान अधिकारी कर्नल मनीष शर्मा व एडम अफसर कर्नल विजय सिंह के आह्वान पर चंदोसी NCC क्लस्टर के NCC कैडेट्स के NCC एलुमनी एसोसिएशन से जुड़ने के लिए नगर में भ्रमण कर रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य भूतपूर्व NCC कैडेट्स को NCC एलुमनी एसोसिएशन से जुड़ने के लिए जागरूक किया गया। रैली SM इंटर कॉलेज से फवारा चौक, सुभाष रोड, मालगोदाम रोड, स्टेशन रोड होते हुए SM इंटर कॉलेज में समाप्त हुई। क्या नाम है आपका? कैप्टन श्रीराम वर्मा। आज जो NCC की रैली निकाली जा रही है, क्या पूरा मामला क्या है? ये NCC राष्ट्रीय छात्र संघ है, संगठन बनाया गया है, जिसमें पहले भी जितने भी छात्रों ने NCC A सर्टिफिकेट या B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट उत्तीर्ण किया है, उन सबको इस संघ से जोड़ने का, और जो नौकरी पे लग गए हैं, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो या किसी भी विभाग में, फोर्स में हो, उन सबको एक साथ जोड़ने के काम करने के लिए अभियान छोड़ा गया है, जिससे सभी जो है जितने भी नौकरी पर हैं, भूतपूर्व जितने भी सैनिक हैं या छात्र हैं जिन्होंने NCC कोई भी सर्टिफिकेट उत्तीर्ण किया है, उन सबको इस जोड़ने का काम के लिए ये योजना चलाई गई है। ओके, कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी ये रैली? रैली SM इंटर कॉलेज से सुभाष रोड होते हुए, रेलवे गोदाम रोड होते हुए और सीधे फिर वापस SM इंटर कॉलेज जाएगी। कितने स्कूल के छात्र इसमें सम्मिलित हैं? लगभग 350 छात्र ये जो है SM इंटर कॉलेज, SM डिग्री कॉलेज, नानक चंदास इंटर कॉलेज चंदौसी, इसमें SD और JD दोनों हैं, और बहजोई इंटर कॉलेज और नरौली इंटर कॉलेज के छात्र सम्मिलित हैं। आज हुई NCC की रैली निकाली जा रही है, क्या है पूरा मामला? NCC जो है NCC एलुमनी एसोसिएशन है, जो है जो पहले के जो NCC बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट जो छात्र पास हो चुके हैं, उनको जो है इस एसोसिएशन से जोड़ने के लिए रैली निकाली जा रही है, उनको जागरूक करने के लिए। और इसका उद्देश्य जो है अधिक से अधिक संख्या में जो कैडेट पास हो चुके हैं NCC में, और उनको जो है कहीं भी नौकरी में है वो NCC से इस एसोसिएशन से जोड़ना है।